आईपीएल के अलावा अगर आप घरों ही क्रिकेट देखते हैं, जैसे भारत का हो गया रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस साल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रियान पराग ने, जिन्होंने लगभग 7 जो है अर्धशतक लगाए थे। तो वही फॉर्म बरकरार रखते हुए आज के मैच में रियान पराग ने अर्धशतक तो लगाया, लेकिन 7 में एंड्रिट नोचिया जैसे बॉलर को लास्ट ओवर में 23-24 रन मारना छोटी मोटी बात नहीं है, और उन्होंने मार दिया, शायद 28 रन मार दिया। और इसी के चलते जो है राजस्थान मैचाज जीत गई, दिल्ली के मुंह से निकल लिया और मैच हरा दिया दिल्ली को। तो मैन ऑफ द मैच तो हमारे रियान पराग है, और रियान पराग ने कहा था एक स्टेटमेंट में कि मेरा अभी नेशनल जाने का टाइम नहीं हुआ, जबकि उनके साथ जितने खिलाड़ी खेले हैं पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, अवेश खान, ये सब नेशनल टीम में डेब्यू कर चुके हैं, खलील अहमद, ये सब खेल चुके हैं, बट रियान पराग अभी भी बचे हुए थे, और लगता है कि उनका टाइम आ गया और अभी वो T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर सकते हैं। इससे पहले उनको नहीं लिया, इग्नोर किया गया, बट अभी उन्होंने दावेदारी पेश की है कि अब वो बड़े इवेंट, ग्लोबल इवेंट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये इनका जो कमिटमेंट है, रियान पराग का फॉर्म बता रहा है।